नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेक्निकल वर्जी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि नरेगा में NMS के माध्यम से दोस्तों 100 दिन की हाजिरी आप लोग कैसे देख सकते हैं। संपूर्ण जानकारी हिंदी में स्टेप बाय स्टेप आप सभी को बताई जाएगी। दोस्तों अगर किसी के 100 डेज कम्प्लीट हो जाते हैं तो उसका यहाँ पर मस्ट ऑल जनरेट नहीं होता है, उसकी अटेंडेंस यहाँ पर नहीं लगती है। उसको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे देख सकते हैं मैं आप सभी को बताऊँगा। यहाँ पर 2 मिनट के अंदर दोस्तों आप सभी पता कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी हिंदी में। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, दिल से धन्यवाद आप सभी का। दोस्तों सबसे पहले आप सभी अपने मोबाइल फ़ोन लैपटॉप डेस्कटॉप पर आ जाएंगे। यहाँ पर गूगल पर यहाँ पर लिख लेंगे नरेगा, नरेगा लिख लेंगे, पहली वेबसाइट आप सभी के सामने आ जाएगी ग्राम पंचायत वाली, इस पर क्लिक कर देना है आप सभी को। उसके बाद थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे और दूसरा यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है जनरेट रिपोर्ट करके, रिपोर्ट वाले में क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों इसको लॉगिन कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, अपनी ग्राम पंचायत गांव डिस्ट्रिक्ट डाल के यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैं अपने राज्य में चले जाता हूँ दोस्तों। मेरा राज्य दोस्तों यहाँ पर जैसे वेस्ट बंगाल से है, मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ और आगे बढ़ जाते हैं। आप सभी को दिखाते हैं कि 100 डेज कम्प्लीट की लिस्ट आप लोग कैसे देख सकते हैं। संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप आप सभी को दी जाएगी। और उसके बाद जैसे ही खुल जाता है उसके बाद कौन से ईयर का आप सभी को देखना है, 22, 23, 24, 25 जो भी आप सभी को देखना है उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अपना एक यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को ओपन कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट को ओपन करने के बाद यहाँ पर ब्लॉक ओपन करेंगे, ब्लॉक के बाद ग्राम पंचायत ओपन करेंगे और प्रोसेस वाले में क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ध्यान देंगे आप सभी किस प्रकार इस फॉर्म को भरना है मैं आप सभी को यहाँ पर बता रहा हूँ। आप इसे भरने के बाद आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। प्रोसेस वाले में क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे यहाँ पर जब तक कि वेबसाइट ओपन होती है, और उसके बाद नीचे चले जाना है आप सभी को, ठीक है। और सब कुछ यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर R1, R2, R3, R4, R5, R6 तक आ रखा है, तो दोस्तों आप सभी को यहाँ पर क्लिक कर देना है R2 पे। ध्यान देंगे आप सभी R2 पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप थोड़े इंतज़ार करेंगे। R3 में यहाँ पर देखेंगे R2 का 3 नंबर 100 डेज वाले में क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। और दोस्तों आप सभी यहाँ पर जिनका भी नाम होगा इस लिस्ट में देखने को मिल जाएगा। अभी यहाँ पर कोई भी इनका नाम नहीं है जिन 100 डेज यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुए हैं 22, 23 में। आप लोग यहाँ पर 23, 24 भी कर सकते हैं और बैक चले जाते हैं, ठीक है। अब इनकी यहाँ पर टोटल अटेंडेंस आप लोग देखते हैं, अटेंडेंस ऑल अटेंडेंस देखते हैं, अलर्ट अटेंडेंस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। टोटल जो यहाँ की अटेंडेंस है वो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 14 दिन लगे हुए हैं, ठीक है, और नीचे सभी के देख सकते हैं आप सभी। यहाँ पर एक के और लगे हुए हैं जो ये मनरेगा पर वर्क करते हैं, उनकी लिस्ट आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कितने दिन किसको यहाँ पे कंप्लीट हो गए। सभी यहाँ पे 28 दिन के भी हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस लिस्ट को चेक कर सकते हैं किसके यहाँ पर 100 डेज कंप्लीट हुआ। जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं 30 दिन काम कर चुके हैं और 40 दिन यहाँ पर बैलेंस है, ठीक है। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब टेक्निकल वर्जी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप सभी ने सीखा किस प्रकार लिस्ट को देख सकते हैं आज, ठीक है। अगर इनके 100 डेज कम्प्लीट हो जाते तो दोस्तों R2 का 3 नंबर आप सभी यहाँ पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, ये देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू ऑल फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर।